अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ शायरा की बुला, देख रहे हैं शायरा की यूट्यूब चैनल। आज कश्मीर की खूबसूरत तरीन वादी में से एक ख़ास जगह पर आया हूँ। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि हमें उस जगह पर जाना है, अनफॉर्चुनेटली कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से हम वहाँ पर पहुँच नहीं सके और अभी मैं वहाँ पर आया हूँ और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इकबाल पाशा हमारे साथ नहीं है। अगर वो होते तो वीडियो बनाने का और भी मज़ा आ जाता, क्योंकि उनके साथ कुछ इंटरेस्टिंग बातें और मज़े की बातें हो जाती हैं उनके साथ। दूसरी बात यह है कि उनके साथ वीडियो बनाने का मज़ा भी कुछ और ही है। तो अनफॉर्चुनेटली वो तो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे कि आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाया जाए। और कैमरामैन भी मेरे साथ अभी नहीं है, मैं खुद बिल्कुल अकेला आया हूँ यहाँ पर। तो उसी जगह पर मैं मौजूद हूँ जहाँ से मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमने वहाँ पर जाना है। तो मेरे साथ रहेगा, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ दिए गए बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच, हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम अच्छी अच्छी वीडियो आपको अच्छा अच्छा व्यू दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो जी फ्रेंड्स, एक फ्रूट्स तो काफ़ी तरह यहाँ पर दरख्त हैं फ्रूट्स के, लेकिन एक ख़ास फ्रूट्स जो है वो फ्रूट्स ये है। इसको पहाड़ी ज़ुबान में पता नहीं क्या कहते हैं, मुझे कुछ नॉलेज नहीं है इतना ज़्यादा, लेकिन ये फ्रूट्स बहुत ही टेस्टी किस्म का है। यहाँ पे ये हज़ारों के हिसाब से दरख्त लगे हुए हैं और ये नेचुरली है, किसी ने ये लगाया हुआ नहीं है। ये बहुत, ये एक मैं खा लेता हूँ माशाल्लाह। इसका टेस्ट बहुत ही प्यारा है और जैसा कि मैं आपको बताता चलूँ, एक ये दरख्त है जो मैं पिछले वीडियो में जिक्र भी किया था, दिखाया भी था, बल्कि मैंने खाया भी था। और यहाँ पे ये वो जगह है, ये मैं वहाँ पे पहुँचा हूँ, ये वो जगह है जो मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि हमने यहाँ पे जाना है और किसी प्रॉब्लम की वजह से हम यहाँ पे नहीं पहुँच सके। तो आज मैं अकेला आया हूँ, इकबाल पाशा नहीं है, मैं आपको जानते हैं, मैंने पहले भी जिक्र किया, वो मेरे साथ नहीं है। मेरे साथ होते तो और भी मज़ा आता। तो यहाँ पे ये वो जगह है जी फ्रेंड्स, एक ग्राउंड है, बच्चे खेल रहे हैं, अभी भी खेल रहे हैं, और ये साथ नदी जा रही है। बहुत ही प्यारी नदी है, जब गर्मी ज़्यादा लग जाए तो इसमें हम नहा भी लेते हैं। और ये देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं जी फ्रेंड्स, खूबसूरत तरीन दरख्त पौधे लगे हुए हैं, दरख्त लगे हुए हैं, फूल लगे हुए हैं, माशाल्लाह कश्मीर जन्नत नज़ीर, जन्नत की हवा में से एक है। ये है जी वो नाला जहाँ से पानी आता जाता है, इसमें हम नहाते भी रहते हैं बास टाइम में। और ये देख सकते हैं आप, खूबसूरत तरीन वादी में से ये है वो, यहाँ से रास्ता शॉर्ट जाता है ऊपर, हम ऊपर से ही वीडियो शूट की थी पिछली, यहाँ से रास्ता थोड़ा लंबा है, रास्ता थोड़ा लंबा है, नहीं तो मैं यहाँ से जाता ऊपर, टाइम भी बहुत शॉर्ट है। ये देख सकते हैं, ये बहुत ही प्यारा किस्म का व्यू। और ये जी वो जगह पहुँच गई जी, अस्सलाम वालेकुम भाई, ये वो जगह पहुँच गई जिसका मैंने जिक्र किया था आप लोगों से, आप फ्रेंड से। प्लीज वीडियो को पूरा देखिए, ये मारा छक्का बच्चे ने, ये देख सकते हैं आप खूबसूरत तरीन वादी। ये कुछ लड़के हैं, यहाँ से देख सकते हैं जी नज़ारा, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा। ये ग्राउंड है, छोटा सा ग्राउंड है, वैसे टाइम पास के लिए आ जाते हैं, मैं तो खेलता नहीं हूँ ज़्यादातर, तो इधर बच्चे ही खेलते रहते हैं, ये देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो इंशाल्लाह जी मेरे पास अभी टाइम थोड़ा शॉर्ट है, इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में, इंशाल्लाह आपसे मिलेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट लाजमी करें, अपनी राय का इजहार लाजमी किया करें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे अगली वीडियो में।